पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में चार सीटों पर हो रहे विधानसभा के उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज लगातार एक एक सीट पर विशेष रणनीति के तहत अपने उम्मीदवारों को उतार रही है और इसी क्रम में अब रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए जनसुराज ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। तो रामगढ़ से जिस शख्स को उम्मीदवार बनाया गया है, पीके ने जिसके नाम पर दाव लगाया है, उनका नाम है सुशील कुमार। दरअसल सुशील कुमार की अगर हम बात करें तो सुशील कुमार पिछले कई दशकों से लगातार राजनीति मैदान में सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता विशेष करके जो बक्सर संसदीय क्षेत्र है उसमें पिछले कई वर्षों से लगातार देखी जा रही है। और इसमें यहाँ तक है कि एक दौर में मायावती के बेहद खास नेताओं में एक हुआ करते थे सुशील कुमार, और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपनी पार्टी बसपा से सुशील को बक्सर संसदीय क्षेत्र से चुनाव में भी उतारा था। और इतना ही नहीं, बक्सर में उतरे सुशील कुमार ने उस चुनाव के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया था। भले ही उन्होंने जीत हासिल नहीं की थी, लेकिन बसपा उम्मीदवार के तौर पर 80,000 से ज्यादा वोट ला करके सुशील कुमार तब तीसरे नंबर पर रहे थे। तो बसपा से अपनी राजनीतिक पारी को आगे बढ़ाने वाले सुशील कुमार ने अब जनसुराज का दामन थाम लिया है और प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के वो अपनी आगे की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय हैं। तो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर ने अपने दल से जिस शख्स को उम्मीदवार बनाया है उनका नाम सुशील कुमार है, और ये सुशील कुमार वही सुशील कुमार हैं जो एक दौर में बिहार में मायावती के लिए लगातार उनकी पार्टी बसपा को मजबूत करने के लिए काम करते थे, लेकिन अब उन्होंने बसपा का दामन छोड़ करके इस बार प्रशांत किशोर का हाथ पकड़ लिया है और अब जनसुराज के सहारे बिहार में अपनी राजनीति की पारी को आगे बढ़ाने के लिए रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उतरे हैं। दरअसल अगर हम सुशील कुमार की राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो एक दौर में सुशील कुमार ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो उस समय वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे। भाजपा से जब उनका मोह भंग हुआ तो उसके बाद उन्होंने बसपा पकड़ा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के हो लिए, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी से उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा और विशेष करके जो बक्सर संसदीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में लगातार इनकी सक्रियता देखी गई। इन तमाम चीजों के बीच जब वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने इन्हें उम्मीदवार बनाया तो 80,000 वोट ला करके एक सम्मानजनक वोट पाने में भी सुशील कुमार ने वहां अहम भूमिका निभाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जिस 80,000 वोट को सुशील कुमार ने हासिल किया था उसमें वोटों का एक बड़ा तबका रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से ही था जहां से सुशील कुमार के पक्ष में अच्छा खासा वोट आया था। तो ऐसे में प्रशांत किशोर ने काफी सोची समझी रणनीति के तहत अब सुशील को उम्मीदवार बनाया है और विशेषकर रामगढ़ के इलाके में जहां पर कि इनका अच्छा खासा मजबूत पैठ माना जाता है, तो उस इलाके में इस बार भी अब जनसुराज के उम्मीदवार के तौर पर सुशील बेहतरीन प्रदर्शन करें, इसके लिए प्रशांत किशोर ने वहां पे एक पूरी रणनीति के तहत सुशील कुमार को उम्मीदवार उतारा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जहां एक ओर यह सीट राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह के लोकसभा सांसद बनने के कारण खाली हुई है और अब यहां से सुधाकर सिंह के ही भाई अजीत सिंह उम्मीदवार हैं, तो उनसे सीधे मुकाबले में जिन अलग अलग प्रत्याशियों की किस्मत इस बार दाव पर रहेगी उसमें जनसुराज के उम्मीदवार सुशील कुमार का भी नाम शामिल है और सुशील कुमार पर दाव खेल करके जनसुराज ने एक बड़ी चाल चली है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि सुशील क्या जनसुराज के लिए वहां पे कुछ बेहतर कर पाते हैं या फिर चुनाव परिणाम कुछ अलग होगा। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।